दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी और जिसको कहते हैं DPGC कामकी के नाम से भी जाना जाता है और कंबा सर्कल में है और यहाँ एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है 1 अगस्त से, यानी कि 1 अगस्त 2022 से न्यू सेशन का एडमिशन शुरू हो गया। और आज हम जानेंगे कि यहाँ एडमिशन करने कौन लोग आए, कितने लोग आए और कैसे लोग आए, उन सभी को हम देखेंगे। यहाँ हम आप पहुँचे हैं दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी, जो 1996 में स्थापना की गई थी इस कॉलेज को। अब हम जानेंगे कि यहाँ एडमिशन प्रोसेस कैसे होते हैं। आज एडमिशन का पहला दिन है 1 अगस्त 2022। हम जानेंगे यहाँ एडमिशन प्रक्रिया कैसे चल रहे हैं। DPGC कामकी यानी कि दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट सियांग में बसा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सियांग जिला में है और आलो पश्चिम सियांग का हेडक्वार्टर है। वहां से 27 किलोमीटर की दूरी पे है कंबा सर्कल पे। और यहां एडमिशन आपको अगर करना है तो आप आलो से 27 किलोमीटर की दूरी पे आना है, कंबा ADC हेडक्वार्टर पे आना पड़ेगा। और यहां कामकी में बसा हुआ है कंबा सर्कल में DPGC कामकी। और यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं एडमिशन करने के लिए। आज पहला दिन है और बरसात भी हो रही है, इसीलिए कम लोग आ रहे हैं। शायद दूसरे दिन में बहुत लोग आ जाएंगे। अब हम दिखा रहे हैं आपको पहला दिन का एडमिशन प्रक्रिया दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज का। लोग अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं और कुछ लोग अपने भाई भैया के साथ आ रहे हैं और कुछ लोग दीदी बहन का साथ आके एडमिशन कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज का पहला दिन है सेशन 2022 का। और आप देख सकते हैं कुछ लोग शर्मा रहे हैं और कुछ लोग मुस्कुरा। इस बीच हमारे चाय भी आ गए। चाय के साथ स्लाइस केक मिले हैं हमें, बरसात के मौसम में बहुत ही मस्त है चाय। DPGC कामकी कॉलेज रियोमगो का किनारा बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जगह में है और स्टूडेंट्स लोग भी बहुत खूबसूरत है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं बरसात के मौसम में भी लोगों के उत्साह इतना बढ़ा हुआ है कि एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही नौजवान खूबसूरत लोग आ रहे हैं एडमिशन करने के लिए दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी। और यहाँ बहुत सारे प्रोफेसर लोग भी हैं और बता रहे हैं, दिशा निर्देशन दे रहे हैं कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, बहुत ही खूबसूरत जगह में। और प्रोफेसर लोग भी काफ़ी खूबसूरत है और जगह भी खूबसूरत है, कॉलेज भी खूबसूरत है, नज़ारा सब कुछ, मौसम सब कुछ खूबसूरत है। बस प्रोसेस चल रहे हैं क्योंकि पहला दिन है। पहला दिन कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अब आगे की ओर चले देखते हैं।
और आपको बता दूं कि बीए बीकॉम यहाँ होते हैं, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स होते हैं, और साइंस का अभी तक नहीं हुआ है, होने वाले है शायद अगले साल में। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपको एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव हिंदी, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट है आपको यहाँ ऑफर करते हैं सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं अलग अलग अपना अपना विभाग में। और यहाँ फॉर्म फिलअप जारी है, प्रोफेसर सर, प्रोफेसर मैडम व्यस्त है, एडमिशन के लिए प्रक्रिया जारी है और काफ़ी भीड़ भाड़ है। इस वक्त पहला दिन है फिर भी, और देखने वाली बात है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन में कितना भीड़ होते हैं, इस कॉलेज में कितने लोग आते हैं देखना पड़ेंगे। बरसात हो रही है, देखिए बहुत ही मज़ेदार मौसम। एडमिशन प्रोसेस यानी कि एडमिशन प्रक्रिया के लिए बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि पिछले बार सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुके हैं, और उसके बाद जो फ्रेश एडमिशन लेने वाले हैं, जो 12 पास करके आए हैं, उन लोग भी अब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं। और थर्ड सेमेस्टर आया, तुम्हारा कितना सेमेस्टर है? कौन सा सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर। जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे स्टूडेंट भी आते रहा और उन लोगों का एडमिशन प्रक्रिया चलता रहा। आज पहला दिन है, बता दूं एडमिशन प्रोसेस 9:30 से लेके 2 बजे तक है। और हमने ऑफिस की ओर आगे बढ़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की ओर गया, और यहाँ भी स्टूडेंट्स लोग अपने अपने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइमर थे, कुछ लोग अपने गार्जियन के साथ आए हैं, और यहाँ एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इतना भीड़ भाड़ नहीं है, दूसरे की तरह काम अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या चल रहे हैं, यहाँ पर हेल्प डेस्क है, सुनते हैं आयोजकों को। कौन सा सेमेस्टर? ओ ओ, अरे अरे ऐसे ना, ओ अच्छा 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 ठीक ठीक इसको हम क्लिपिंग में बाद में डाल देगा। आपको अंदर आते ही यहाँ पे सबसे पहला आपको प्रोस्पेक्टस लेना है, प्रोस्पेक्टस लेने के बाद यहाँ आपको फॉर्म भरना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस वक्त प्रोस्पेक्टस लेने के लिए लाइन पे खड़े हैं, और उसके बाद यहाँ फॉर्म फिलअप करके वेरिफिकेशन करवाते हैं अपना प्रोफेसर से, और यहाँ देखिए एडमिशन कर रहे हैं और सब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं।
कुछ लोग जानकारी ले रहे हैं ऑफिस से, और ये है हमारे डीपीसी काम की, यहाँ प्रोसेस जारी है एडमिशन का और एक सप्ताह चलने वाले है, अगला दिन कंटिन्यूस चलते रहेंगे। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद अब बारी आई एडमिशन फीस देने के लिए, और यहाँ हमारे मैडम लोग बैठे हुए हैं एडमिशन फीस कलेक्ट करने के लिए, और सभी लोग लाइन पे आ गए हैं। आज पहला दिन है इसलिए भीड़भाड़ नहीं है, वरना दूसरे वक्त बहुत भीड़भाड़ होते हैं। यहाँ सभी लोग भर रहे हैं, आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि कॉलेज का एडमिशन कुछ और ही मज़ा होते हैं। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे भी और एक दूसरा सेमिस्टर वाले लोग, अलग सेमिस्टर वाले लोग यहाँ एडमिशन का पीस दे रहे हैं, लाइन पे खड़े हैं, क्योंकि पीस देते वक्त सही ढंग से भरना पड़ता है, इसीलिए यहाँ थोड़ा वक्त लगते हैं और सभी लोग लाइन पे हैं। और जैसे कि यहाँ पे फॉर्म और यहाँ एडमिशन का फी ले रहे हैं हम।